तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं बैंड स्टैंड बैंड्रा शाहरुख खान के घर के बाहर हूँ इस वक्त, और आज है ईद। तो लोग सोच ये रहे हैं कि शाहरुख खान आएंगे और ईद मुबारक बोलेंगे और लोगों की ईद हो जाएगी मस्त। तो इसी इंतजार में हम भी हैं, और डॉन को पकड़ना तो मुश्किल ही नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस थी, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी डायलॉग को लेके जो है शाहरुख खान अभी लोगों के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, और जब आ जाएंगे तो लोग एकदम टूट पड़ेंगे उस पर। और देखिए कितनी सारा भीड़ है यहाँ पे, लोगों की जमावड़ा लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, आप हमारे साथ बने रहिए। भीड़ है, देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। भैया कहाँ से आए हो बताओ यार? ईद मुबारक। कहाँपुर से? सोलापुर। देखने का नहीं भाई, ऐसे घूमने की ठीक है। तो ये देखिए यहाँ का जो है पूरा एकदम, इतने ज़्यादा भीड़ है यार, मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूँ, आप हमारे साथ बन रही है। ओहो ये देखो इतना ज्यादा भीड़। आए क्या मन्नत लिखा हुआ है, मन्नत है वो, और वहाँ पे पुलिस फोर्स है। वो रोड है, रोड की वजह से जो है लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे चलता फिरता रोड आप देख सकते हैं, क्योंकि रोड है, अगर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखो लोगों की भीड़, और पुलिस वाले निकलना शुरू किया, मारना शुरू किए। देख लो दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आज ईद है। ये देखो तो दोस्तों वो जो रेलिंग आप देख रहे हो ना, ये वाला ये यहीं पे शाहरुख खान आएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखो अरे लोगों को भगा रहे पुलिस वाले, इतना ज्यादा भीड़ है भाई, कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। वो देख सकते हो इतना ज्यादा भीड़ हो भाई, ओ माय गॉड, शाहरुख खान के घर के बाहर इतना ज्यादा भीड़। ये देखो पुलिस वाले भाई, देखो भाई क्या है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं शाहरुख खान का। ये देखिए सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं शाहरुख खान का, लेकिन शाहरुख खान जो है हम लोग का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनका इंतज़ार करेंगे, लेकिन चलो बड़े आदमी है करेंगे यार, लेकिन अब खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं उनके लिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए बैंड स्टैंड का ये नज़ारा हमें आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है। तब तक शाहरुख खान से ध्यान हटा के जो है हम बैंड स्टैंड की नज़ारे पे देखते हैं। और भूख लगी है तो यार वड़ा पाव खा लेते हैं यार, यहाँ का वड़ा कम से कम वड़ा पाव खाते हैं मज़ा आता है। तो गुरु ये वड़ा पाव इधर मिल रहा है, और ये वड़ा पाव खा लेते हैं यहाँ से। पहले चलो वड़ा पाव तो मिल गया भाई, शाहरुख खान के घर के सामने जो इतना ज़्यादा भीड़ है, तो वड़ा पाव वाले की अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, कम से कम 10 मिनट लगे वड़ा पाव लेने में। ये वड़ा पाव मिल गया, खाते हैं इसको, फिर खाएँगे शाहरुख खान को दिखाएँगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जो है लोग वापस जा रहे हैं, ये है उधर शाहरुख खान का घर, और वहाँ देखिए लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान आए नहीं, और लोग जो है नाराज़ हुए, फैंस नाराज़ हुए। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जो है लोग वापस जा रहे हैं, ये है उधर शाहरुख खान का घर, और वहाँ देखिए लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान आए नहीं, और लोग जो है नाराज़ हुए, फैंस नाराज़ हुए। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, अभी भी कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि सोच रहे हैं शायद आ जाए, लेकिन 7:30 बज चुके हैं तो मुश्किल है। ये वो है शाहरुख खान का घर, और दोस्तों जो पीछे देख रहे हैं लोग जो है जा रहे हैं।
लोग नाराज होके जा रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान का इंतजार करते करते वो थक गए और फाइनली वो जो है अपने घर को जा रहे हैं। ये देखिए इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग आए थे ईद पे शाहरुख खान को देखने के लिए, लेकिन लोग निराश और लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। तो खैर कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।